देर रात उत्पाद विभाग और नवगछिया पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने लावारिस ट्रक से भारी मात्रा में तस्करी कर ले जाए जा रहे अवैध विदेशी शराब को बरामद किया। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को यह गुप्त सूचना मिली कि शराब तस्कर विक्रमशिला सेतु होकर शराब की एक बड़ी खेप लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम और नवगछिया के प्रवक्ता थाना पुलिस ने विक्रमशिला सेतु पथ पर गहन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वैभव होटल के पास पुलिस की घेराबंदी देख ट्रक चालक लावारिस स्थिति में ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जब कोलकाता नंबर की ट्रक की तलाशी ली तो भूसे की आड़ में 993 कार्टून में तकरीबन 4300 लीटर अलग अलग ब्रांड के अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया। बरामद अवैध शराब को परबत्ता थाना लाया गया। इस दौरान मद्य निषेध विभाग के निरीक्षक चंदन कुमार धनश्रीवाला, लालू कुमार परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव, SI राजकुमार राय, गणेश यादव सहित पुलिस बल के जवान मौजूद थे। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना में महमदपुर की रेशमा देवी अपने ही पति अरविंद तांती पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंची। इस दौरान उनके साथ उनका जेठ और मृतक का दूसरा भाई ध्रुव तांती के अलावा कई ग्रामीण भी मौजूद थे, लेकिन जब पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज करने में आनाकानी किया तो फिर देखते ही देखते साथ आए ग्रामीणों ने महिला के साथ मिलकर जमकर बवाल काटा। इस दौरान आरोपी अरविंद तांती की पत्नी रेशमा देवी ने बताया कि बुधवार की शाम में उसके पति ने अपने ही बड़े भाई मंगल तांती पर जानलेवा हमला कर दिया है। इसके बाद उन्होंने जब शोर मचाना शुरू कर दिया तो उनके जेठ ध्रुव तांती और अन्य परिजनों ने आनन फानन में गंभीर रूप से घायल मंगल तांती को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह उनकी मौत हो गई। रेशमा देवी की माने तो उनके पति अरविंद तांती और मृतक मंगल तांती की पत्नी के बीच में प्रेम प्रसंग था। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में पहले भी विवाद हुआ था। वहीं घटना वाले दिन अरविंद तांती ने अपनी पत्नी रेशमा देवी के साथ पहले मारपीट की थी, उसके पश्चात मंगल तांती पर ईंट और पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। रेशमा देवी ने बताया कि उनके पति ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि वह इस हत्याकांड में किसी को कुछ नहीं बताए वरना मंगल तांती की तरह वह उसकी भी जान ले लेगा। रेशमा देवी की माने तो वो खुद उनके जेठ यानी कि मृतक का दूसरा भाई ध्रुव तांती हत्याकांड के चश्मदीद गवाह है। बावजूद इसके मधुसूदनपुर थाना में आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। मृतक के भाई ध्रुव तांती ने कहा कि उन्होंने अरविंद तांती को अपने भाई मंगल तांती की हत्या करते अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद भी पुलिस उनकी शिकायत नहीं ले रही है। क्या पहले हमको मार लिया, पहले खाना के टाइम हुआ था, खाना बनाएंगे बोले उसको कि गैस बढ़ा के ला दो बस। किनको? हम अपने पति के बोले। क्या नाम है आपका पति? अरविंद तांती। बोले उसको गैस भराने के लिए बस पका चढ़ा बस उतरा वहाँ बस हमको मारने लगा तत्काल के मारते मारते हाथ अति मटका दिया बस हमको छोड़ दिया बस फिर भैया को मारने लगा ईटाल के। अच्छा ईटाल का मार जब तक उसका बुद्धि नहीं निकला कपार के बस छोड़वे नहीं किया। हम चीची आए कि मंजिला भैया दोगिया मार दिया बड़का भैया को तब वहाँ से उसको धकेल के उतारा तब उतरा वहाँ से तो बड़का भैया को ले गया वहाँ अथी डॉक्टर के पास बंदेज करवाने के लिए। भैया हम काम पर से आए भैया कुर्सी पर बैठा था दो मंजिला पर से वो ईटा गिराने लगा। कौन? अरविंद। तो भैया बोला कि रे ईटा कौन गिरा हमारा मारी तो बस ऊपर जैसे चढ़ा बस ईटा लग करके उसका सर फोड़ दिया हमको जाते जाते। नवगछिया पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब देर रात पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बिहपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव के गोपाल शर्मा के बासा पर पुलिस ने छापेमारी कर तीन कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो देसी कट्टा, 11 गोली, 250 ग्राम गांजा सहित एक मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्हें यह गुप्त सूचना मिली कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अपराध की घटना को अंजाम देने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर बिट्टू कुमार उर्फ चमन, दिलखुश कुमार और सोनू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। SP ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और विभिन्न थानों में इन अपराधियों पर हत्या, लूट, रंगदारी सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। इसी कड़ी में कल रात एक सूचना मिली कि बिहपुर थाना अंतर्गत अमरपुर गांव में एक गोपाल शर्मा का बासा है, वहाँ पर अपराधी इकट्ठा हुए हैं और अपराध की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर SDPO नवगछिया के नेतृत्व में टीम गठन किया गया जिसमें दोनों प्रोफेसर DSP थाना प्रभारी नवगछिया बिहपुर फरीद ठंडापुर
अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे, हमारे डी आई टीम भी शामिल थी। छापामारी किया गया। छापामारी क्रम में तीन अपराधी कुख्यात दिलसुख कुमार जब जानते हैं, तो कई कांडों में ये जेल में थे, वर्तमान में जेल पर छूट के आए। उसके अलावा बिट्टू कुमार जिनका भी आपराधिक इतिहास है, और एक सोनू कुमार, तीन की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के उपरांत जमा तलाशी में उन लोगों के पास से दो एक देसी कट्टा है, 11 कारतूस है, लगभग 250 ग्राम और ये गांजा है, एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। ये जो दिलखुश था, पहले 472-20 नगोशा थाना का मर्डर केस था, उसी में जेल भेजा गया था। उसके अलावा कई कानून से रिमांड भी किया गया था। भागलपुर नगर निगम प्रशासन के अड़ियल रवैये के खिलाफ दैनिक सफाई कर्मियों ने नगर निगम परिसर में जमकर बवाल काटा और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द किए जाने की बात कही। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा लगभग 60 मजदूरों को दैनिक मजदूरी पर रखकर शहरी क्षेत्र में 3 महीनों तक सफाई कराया गया था। उसके बाद कई महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक उन सबों के बकाए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उन सभी के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जब तक नगर निगम प्रशासन उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द बकाया राशि नहीं देता है, तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। वहीं इस बाबत सफाई प्रभारी ने कहा कि उन्होंने एक सप्ताह पूर्व भी सफाई प्रभारी के रूप में योगदान दिया है। नगर आयुक्त का जो निर्देश होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सफाई कर्मचारियों के द्वारा बकाया राशि की एवज में घूस मांगे जाने को बेबुनियाद करार दिया है। ठीक है, नाली में ठीक है, हम लोग का जो प्रभारी का जोनल है, पैसा लेने अभी कोई नहीं है। ठीक है, सिटी मैनेजर बोला था कि अप्रूवल चाहिए, कहाँ कहाँ काम किए हो, तो इसीलिए फाइल हम लोग का अटक गया। चंदन भी हम लोग का जो जोनल है वो आए हुए हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन वो बोल रहा है कि हम जहाँ जहाँ काम किए हैं वहाँ का वो खोज रहा है प्रूफ। कितना महीना काम किए थे? 3 महीना। 3 महीना काम कर लिया, बाल बच्चा भूखे मरी वैसे, तनख्वाह हुआ, राशन पानी उधार लेके खा बच्चा लोग खिला रहे थे, फिर दुकान बंद हो गए, पैसा देवे तबे राशन खा। की बोले जी? हाँ, यहाँ बोले जे कि बड़ा बाबू समझेगा। हाँ, बड़ा बाबू एहन से इसे स्टार्ट किया है, इधर 4-5 माह से बंद है अभी, 4-5 माह से, चूँकि जब से इस टाइप का ही घोटाला शब्द कह दीजिए उजागर हुआ है, तब से इसका बाधित है। तो जब तक वो जांच नहीं हो जाती है तब तक हम कैसे करें? नया प्रभार मुझको मिला है एक सप्ताह पूर्व मिला है। तो इसी परिस्थिति में जब तक पूर्व में जो जाँच बैठाई गई है उसके बाद जाँच की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर ली जाती है, तो हम नए स्तर से अपने मन से तो कर नहीं सकते हैं। कोरोना के संक्रमण के कारण लगातार दूसरे वर्ष विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है। 2 दिन के बाद पवित्र सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है, जिसको लेकर सुल्तानगंज के उत्तर वाहनी गंगा तट पर बड़ी संख्या में कांवरिया अपने निजी वाहन से आकर गंगा स्नान का जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। इस दौरान गंगा जल लेकर बाबा धाम जा रहे कांवरियों से मंदिर बंद होने और सरकार के द्वारा कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाबत पूछने पर कांवरियों ने बताया कि उनके बच्चे का मुंडन है, इसलिए जल लेकर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं और मंदिर के बाहर से ही जल चढ़ाकर वैद्यनाथ धाम से वापस हो जाएंगे। वहीं सुल्तानगंज के दुकानदारों ने बताया कि पिछले वर्ष भी श्रावणी मेला कोरोना के चलते नहीं लगा था, इस वर्ष भी श्रावणी मेला नहीं लगने से वे सभी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा अजगैबीनाथ मंदिर के समीप गंगा घाट जाने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जिससे बाहर से आने वाले कांवरिया गंगा जल लेकर वैद्यनाथ धाम नहीं जा सके। उसके बावजूद कांवरिया अपने निजी वाहन से गंगा जल लेकर वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। मुंडन करके आ जाइए, बाहर से ही जल, बाहर से क्या करना है, कुछ करना है, बच्चे का मन्नत है तो करना है, किसी तरह तो करना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विमल कुमार सिंह। कितने लोग आए हुए? हम लोग आए 6 आदमी। एकदम पूरा स्थिति खराब है, भुखमरी छा गया है और बदतर स्थिति है, लेबर वर्कर सब भी जो है बेकार पड़ा हुआ है। कमरिया लोग आ रहे हैं बहुत कम, नहीं के बराबर 1%। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा का नारा देने वाले और देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले अमर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की 115वीं जयंती पर पूरे देश में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनके बलिदान को याद किया गया।
भागलपुर में नर सेवा नारायण सेवा संस्था के बैनर तले भागलपुर के आदमपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद स्मारक पर भाजपा नेता अजित शाश्वत चौबे व नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक दिनेश मंडल, वार्ड पार्षद रश्मि रंजन समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर व माल्यार्पण कर उनकी वीर गाथा को याद किया गया। भाजपा नेता अजित शाश्वत चौबे ने कहा कि भारत के महान क्रांतिकारी सपूत चंद्रशेखर आजाद के जन्म जयंती पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनके स्मारक पर पुष्पांजलि की गई। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के संकल्प को लेकर वो आगे बढ़े और शहीद हुए। आज उनके जन्म जयंती पर उनसे प्रेरणा लेकर नए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है, इसमें उनका साथ दें। कार्यक्रम में देव कुमार पांडे, सुधीर चौधरी, कमल जायसवाल, आनंद मिश्रा, चंदन ठाकुर, अनूप लाल साह, संजय हरी, श्यामल मिश्रा, देवराज घोष, प्रणब दास, विनय सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। मैं उस पार्क में भी गया हूँ जहाँ पर अंग्रेजों के साथ इकट्ठे करने का काम वो निरंतर किया करते थे, और जब अंतिम गोली बची तो उन्होंने माँ भारती को याद करके अपने सर पर अंतिम गोली खुद स्वयं से मारा। लेकिन पराधीन अपने आप को न कभी माना था, आजाद भारत के संकल्प को लेकर के बढ़े थे और आजाद ही मरे। भागलपुर के स्टेशन चौक पर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा पत्रकारों और नेताओं पर करवाई जा रही जासूसी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सारी खान के नेतृत्व में आयोजित प्रतिरोध मार्च और पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान सारी खान ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पत्रकारों और नेताओं का फोन टेप कर उनकी जासूसी कराई जा रही है, जो संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन है और केंद्र सरकार के द्वारा आम लोगों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में वार्ड सदस्य महासंघ के द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वार्ड सदस्य महासंघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र मिश्र ने बताया, जब तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों के 11 सूत्री मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान संघ के सचिव संतोष झा ने कहा कि सभी वार्ड सदस्यों की मांग है कि सभी वार्ड सदस्यों को मानदेय भत्ता, 2000 रुपये बकाया भुगतान, 7 निश्चय योजना का बकाया राशि भुगतान, शौचालय राशि भुगतान, वृद्धा पेंशन और मुख्यमंत्री वृद्धा जन पेंशन लाभुकों को जल्द भुगतान किया जाए, 15वीं वित्त आयोग की राशि गली नाली योजना में खर्च किया जाए, कुमेठा पंचायत के वार्ड संख्या 4 में जल नल योजना को प्रगतिशील किया जाए, कुमेठा पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद कार्य में हुए घोटाले की जांच की जाए, कुमेठा पंचायत के वार्ड 2 में जल नल योजना का कार्य पूर्ण होने के बावजूद मुखिया द्वारा राशि का भुगतान नहीं होने पर तुरंत भुगतान कराया जाए, तिलकपुर पंचायत के वार्ड संख्या 7 में जल नल योजना का कार्य संपन्न होने पर भुगतान कराया जाए और लाभुकों को नया राशन कार्ड शीघ्र आवंटन किया जाए। इस दौरान वार्ड सदस्य देवन यादव, सोनू कुमार यादव, पिंकी कुमारी, सुचित चौधरी सहित कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे देश में इसको वापस लिए जाने को लेकर प्रदर्शन जारी है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर 1-2 के राज्य सचिव मुकेश मुक्त के नेतृत्व में सरकार के नए कानून के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया और इसे जल्द से जल्द वापस लिए जाने की मांग केंद्र से की गई। इस दौरान मुकेश मुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा अयोध्या कारखाना का निजीकरण और बेचने को लेकर कवायद की जा रही है, जिसके विरोध में अयोध्या फैक्ट्री के मजदूर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी को दबाने के लिए सरकार के द्वारा यह नया कानून लाया गया है, जिसके खिलाफ पूरे देश में ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतिरोध मार्च के दौरान कई ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद थे।